हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप कर दे तू सारे ठीक होंगे। आज मैं तुहानू करा रही हाँ मशीन एम्ब्रॉयडरी। मशीन एम्ब्रॉयडरी की नॉलेज, बेसिक नॉलेज जी आपां नू वर्क करन तो पहला होनी जरूरी है। मशीन एम्ब्रॉयडरी दे विच फर्स्ट जी अपना इक्यूपमेंट है वो आपां नू की चाहिए होंगे है मशीन। मेरे को काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि तो असी मशीन कि यूज करते हो और सू कि लैनी चाहिए आ। मेनली जो मैं यूज करती हाँ मैनू उदा एक्सपीरियंस है कि मशीन वधिया है या किवें चलती है। ठीक है, मैं रैलसन की मशीन यूज़ करती हाँ। तुसी भी जो भी तुहानू ब्रांड ईजीली मिलता तुसी वो ले सकते हो, पर उहदे विच तुसी की देखना है कि उहदा सूई का जिहड़ा टंक है वह आपां नू वड्डा चाहिदा हुंदा है। रैलसन की मशीन का ऑलरेडी वड्डा हुंदा है, दूसरियां का शायद करवाउणा पैंदा आई थिंक सो। बाकी तुसी जिगजैक मशीन, जदों मैनू कोई पुछदा है कि कहड़ी मशीन है जिगजैक मशीन कोई ब्रांड का नेम नहीं हैगा। ओह जिगजैक क्यों है? क्योंकि वह टांका इस तरीके आता है, ये अपनी लाइन होंगी जी जिगजैक बोलते हैं, तो करके मशीन एम्ब्रॉयडरी वाली जी मशीन होंगी जिगजैक मशीन भी बोलते हैं, वो कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, और ये आपने नीडल केड़ी यूज़ करनी होंगी है एम्ब्रॉयडरी के 14 नंबर नीडल है जी आप यूज़ करते हैं हरेक कपड़े के उत्ते यूज होंगी है एम्ब्रॉयडरी के। ठीक है, और मैं तुहानू अगे दसदी हाँ कि कपड़े ते किन्नी फ्यूजिंग लाउणी है तां कि तुहाडा कपड़ा जिहड़ा बार बार फटे ना या वह छिदे ना, वह क्यों छिदा है उहदा भी तुहानू रीजन दसांगे। फस्ट ते आ गया अपना कॉटन। कॉटन दे नीचे अपने कोले 2 लेयर फ्यूजिंग होनी चाहिए है। जिहड़ी तुसी फ्यूज पेपर लैणा है वह तुसी पेस्टिंग वाला नहीं लैणा, नॉर्मल पेपर लैणा। ठीक है, स्पोर्ट वास्ते हुंदा वो कोई जरूरी नहीं हुंदा कि आपने पेस्टिंग वाला लवेंगे तो सफाई वध आऊगी, नहीं ये चीज़ नहीं हुंदी। अगे अपने कोल आ गया जी जॉर्जेट ते 4 लेयर। अगे आ गया जी अपने कोल क्रेप, मेनली ज़्यादा वर्क क्रेप ते हुंदा, इहते आपां 3 लेयर लावांगे। सफाई ज़्यादा आउंदी है जो तुसी इस तरीके नाल लेयर्स लाओगे ना, सफाई वध आएगी वर्क ते। सिल्क ते नॉर्मल सिल्क है जिहड़ी उहदे नीचे भी तुसी 3 लेयर ला सकते हो। ये मेन स्टफ ने जिहड़े सिमिलर ही हुंदे ने, इहनां दा जिहड़ा बेस हुंदा है। और जिहड़ी प्योर सिल्क हुंदा स्टफ, प्योर सिल्क उससे तुसी की करना है, पहलां जिन्ने एरिए दे विच तुसी वर्क करना है उहदे विच लगेगी लाइनिंग उस कलर की, जिहड़े कलर का तुसी वर्क कर रहे हो लाइनिंग लगेगी। उस तो बाद 2 लेयर उहदे नीचे फ्यूजिंग पेपर ला के फिर तुसी वर्क करना है, तुहाडा कपड़ा ना फटेगा ना छिदेगा कुछ नहीं होएगा, ना तुहानूं नीडल चेंज करन दी लोड़। ठीक है, ये तुहाडे कोल आ गए कॉमन जे फैब्रिक जिहड़े तो आपां नॉर्मल यूज़ करते हैं वर्क करन वास्ते। तुहाडा होर भी कोई क्वेश्चन है तां तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच पुछ सकदे हो, तां मैं तुहाडा रिप्लाई जरूर करूँगी। इस तो बिना होर भी तुसीं किहड़ी वीडियो चाहुंदे हो कि तुहानूं दसी जावे, ठीक है, वह जरूर मैनूं दस्सिओ। और इस तो बाद हुण मैं तुहानूं फ्रेम दा दसदी हाँ कि फ्रेम किद्दां आपां ने लाउणा है। बोर्ड ते दसूंगी, समझ लियो एक बारी चंगी तरह, जे तुहानू ना समझ आए तो वीडियो नू बैक करके जरूर समझियो। ठीक है, समझ जरूर आऊगा। हाँ जी, फ्रेम अपना, ठीक है, फ्रेम आ मान लो तुसी कपड़ा है, कपड़े अपना, ठीक है, आ सैलवेज है, कन्नी आ गई अपनी, कन्नी जदों आपां वर्क करदे उदों आपां आडा तां वर्क करते नहीं है ना, कन्नी दे सिमिलर ही करते हैं। उस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है, किवें रखना है कि जिहड़ा फ्रेम का नट वाला पार्ट हुंदा वह आपां ने कन्नी वाली साइड ते रखना हुंदा। कन्नी वाली साइड ते क्यों रखना हुंदा? क्योंकि इधर जदों आपां इस सिक्के नाल खिंचांगे तां इत्थे जे नट होएगा तां नट तों फस के कपड़ा फट सकदा। सो जदों आपां कपड़े नूं स्ट्रैच करना हुंदा तां आपां लेंथ वाइज मतलब सैलवेज वाली साइड इधरों भी खिंच सकदे इधरों भी खिंच सकदे आ तां अपना कपड़ा सही होगा, मतलब स्ट्रैच हो जूगा, फ्रेम च टाइट हो जूगा। कई बार की होंगे कि प्योर के कपड़िया जिवें सिल्क क्रेप जॉर्जेट वो इतने भी झोल पै जाता, जो तुम इतों भी खिंच दें ना झोल पै जाता, उदों तुम उ कर सकते हो जिवें नीचे कपड़े दे रिंग रखिया, फिर उस तो बाद कपड़े के उत्ते इतने कॉटन की पट्टी रख ली, दोनों साइड रख ली। जदों तुम दूसरा रिंग लगाता जदों इधरों तो इधरों स्ट्रैच करोगे, जे तो कपड़ा खिंचोगे तो वह थोड़ा छिद जाएगा, जे तुम वो पट्टी खिंचोगे जी आपने कॉटन की लाई है तो कपड़ा नहीं छिदेगा, ये ध्यान रखियो। और एक चीज़ होर, जदों तुसी फ्रेम लाने हो उदों नट वाला पार्ट है जिहड़ा उहनू पहलां लगा दिया करो, दूसरी साइड जे तुसी थोड़ी जी सट मार के भी फ्रेम नू बंद कर दिओ उत्थे तुहाडा नुकसान नहीं हैगा, पर जदों तुसी नट वाली साइड ते सट मार के उहनू करोगे फिट करोगे तां उत्थे तुहाडा नुकसान होएगा, कपड़ा फट सकदा है, ये चीज़ का खास ध्यान रखियो।
होप सो तुहानू वीडियो वधिया लगी है तां लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिओ। थैंक यू सो मच।